मूवी की शुरुआत में हम यूनही को देखते हैं, पर तभी एक रिमोट कंट्रोलर फिंगर आकर उसके अंदर घुस जाती है, जिसे यूनही का टीचर हाइजू प्ले कर रहा था। दरअसल यूनही और हाइजू लिविंग में रहते हैं, पर अभी तक इनके बीच फिजिकल रिलेशन नहीं बना है। हाइजू अभी तक वर्जिन है, इसीलिए वो यूनही के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता रहता है। यूनही उसके साथ तो रहती है, पर कुछ देने का उसका कोई विचार नहीं लगता। इसके बाद अगले दिन इन दोनों को स्कूल जाते दिखाया जाता है, पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि स्कूल में किसी को भी इनकी रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं है। फिर क्लासरूम में जाने के बाद हाइजू बच्चों को पढ़ाने लगता है, पर उसकी नजर यूनही पर ही टिकी रहती है, जो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। कुछ देर उन्हें ऐसे देखने पर हाइजू पूछ लेता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं, उसे भी तो बताएं। यूनही बताती है उसकी पैंट की जिप खुली हुई है, तो वो उसकी ही बातें कर रहे थे। ये सुनकर पूरी क्लास हाइजू पर हंसने लगती है। फिर यहाँ से घर जाते हुए हाइजू बाहर ही यूनही का वेट करने लगता है, पर तभी वो देखता है यूनही उसके साथ जाने की बजाय अपने उसी फ्रेंड के साथ उसके रूम पर चली जाती है। हाइजू उसे कॉल करता रहता है, पर वो कोई आंसर नहीं करती। ये लोग रूम पर रोमांटिक होकर इंटीमेट होने ही वाले थे, पर तभी यूनही हाइजू का मैसेज देखती है, जिसमें लिखा हुआ था उसने उसे फ्रेंड के साथ कांड करते हुए देख लिया है, अब वो यहाँ नहीं रह सकती, अपना सामान लेकर चली जाए। ये पढ़ते ही यूनही इंटीमेट हुए बिना ही भागती हुई हाइजू के घर आती है और वहाँ रहने के लिए उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। तो इतने प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए देखकर बेचारा हाइजू पिघल जाता है और उसे वहाँ रहने के लिए अलाउ कर देता है। फिर अगले दिन जब हाइजू अपने टीचर फ्रेंड के साथ गप्पे मार रहा था, तो तभी सिन्हाई नाम की एक सुंदर सी लड़की इनके स्कूल में टीचर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आती है। सभी टीचर सिन्हाई को देखकर बावले हुए जा रहे थे, हाइजू के मुंह से भी लाल टपक रही थी, पर आज इंटरव्यू हाइजू ही लेने वाला था, तो वो कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछकर उसे सिलेक्ट कर लेता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद हम हाइजू और यूनही को घर पर देखते हैं। यूनही छोटे कपड़ों में लेटी हुई थी, तो उसे देखकर हाइजू मौके पर चौका लगाने की सोचता है, पर यूनही कुछ करने वाली नहीं थी, इसीलिए वो हाइजू को लात मार कर दूर फेंक देती है। इसीलिए बेचारे हाइजू को ऐसे ही सोना पड़ता है। पर अगले दिन वो स्कूल में जाने के बाद भी इसी बारे में सोचता रहता है, और इसी बीच सिन्हाई उसके पास आती है, जो उसके साथ प्यार करना चाहती थी। हाइजू पहले से ही रेडी था, तो ये लोग शुरू हो जाते हैं। पर कुछ देर बाद हाइजू को होश आता है, तो देखता है साला ये तो वो सपना देख रहा था, असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन हाइजू सिन्हाई के साथ बैठा हुआ था, तो सिन्हाई बताती है वो एक मॉडल बनना चाहती है, इसीलिए वो उसके अच्छे कुछ फोटोज निकाल दे। ये सुनकर हाइजू उसे अपने घर लाकर उसके कई सारे फोटोज निकालता है। इसके बाद ये लोग एक बार में जाकर काफी सारे वाइन पीते हैं और लुढ़कते हुए घर आते हैं। घर आने के बाद हाइजू सिन्हाई के साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर सिन्हाई किसी तरह उसे रोक देती है, तो वो बताता है वो अभी तक वर्जिन है, प्लीज वो इसे लूज करने में उसकी हेल्प करे। पर सिन्हाई को इस पर यकीन नहीं होता और वो यहाँ से चली जाती है। पर कुछ दिन बाद सिन्हाई हाइजू के घर आती है, तो यहाँ बातों ही बातों में हाइजू को पता चलता है कि सिन्हाई एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी, पर वहाँ उसके कपड़ों पर दाग लग गया। ये जानने के बाद उसके अंदर चूल मचने लगती है और वो खुद अभी के अभी उसके कपड़ों को धोने को बोलता है। ये सुनकर पहले तो सिन्हाई सोचने लगती है, पर फिर इसके लिए मान जाती है। इसके बाद हाइजू कपड़े धोने लगता है, तो सिन्हाई नहाने लगती है, पर हाइजू के मन में सिन्हाई के ही ख्याल चल रहे थे, तो तभी वो सिन्हाई को नहाते हुए देखने लगता है। इसके बाद जब ये साथ बैठे होते हैं, तो हाइजू फिर से उसे उसकी वर्जिनिटी लूज करने में हेल्प करने को बोलता है। इस बार सिन्हाई मान जाती है, तो ये लोग प्यार करने लगते हैं। पर कुछ देर बाद ही यहाँ यूनही टपक पड़ती है, पर दरवाजा लॉक होता है, तो वो अंदर नहीं घुस पाती। वही काम में लीन इन दोनों की आवाजें बाहर तक जा रही थी, तो यूनही को कुछ समझ नहीं आता, ये सब क्या चक्कर है, हाइजू जैसे नल्ले को कोई लड़की कैसे मिल सकती है। अब यूनही घर का मेन स्विच ऑफ कर देती है, तो अंधेरा होने की वजह से हाइजू बाहर आकर स्विच सही करता है, पर इसी बीच मौका पाकर यूनही भी अंदर घुस जाती है। और जब हाइजू उसे देखता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसके और सिन्हाई के रिलेशन के बारे में चुप रहने को बोलता है, तो यूनही भी इसके लिए मान जाती है, क्योंकि वो तो हाइजू को सिर्फ एक फ्रेंड समझती थी। पर अब हाइजू सिन्हाई के बारे में ही बात करता रहता है, तो यूनही को इससे जलन होने लगती है, क्योंकि अब हाइजू ने पहले की तरह उसके आगे पीछे डोलना बंद कर दिया था। वहीं हाइजू जोश में आकर सिन्हाई के साथ जिम ज्वाइन कर लेता है, पर वहाँ पर भी उसकी नज़र सिर्फ सिन्हाई पर ही टिकी रहती थी, और जब भी मौका मिलता वो सिन्हाई को वॉशरूम में पकड़ लेता और प्यार करता। फिर एक दिन दो लोग सिन्हाई के पास आकर उसे कुछ फोटोज दिखाते
हैं जिनमें वो हायजू के साथ प्यार कर रही थी। यहाँ वो बोलते हैं कि उन्हें पैसा वैसा नहीं चाहिए, बस वो उन्हें ठंडा कर दे वरना पूरे स्कूल में उसकी बदनामी कर देंगे। सिन्हाए के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो हाँ कर देती है। वहीं दूसरी ओर हायजू का टीचर फ्रेंड होंग जो सिन्हाए को लाइक करता था पर सिन्हाए ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, पर उसने उसे फंसाने के लिए उन दो लोगों को उसके पीछे लगा दिया था जिन्होंने उसके फोटोज लेकर उसे ब्लैकमेल किया और वो खुद को ठंडा करने की नहीं बल्कि होंग को ठंडा करने की बात कर रहे थे। फिर अगले दिन होंग हायजू को बोलता है कि वो उसके लिए एक जगह से एक लड़की को पिक करके लाए। हायजू को पता नहीं था उसने किसे पिक करने को बोला है, पर जब वो लोकेशन पर पहुंचता है तो सिन्हाए को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसा ही हाल सिन्हाए का भी था, पर कुछ देर बाद सिन्हाए होंग के घर पहुंच जाती है तो वो इंटीमेट होने से पहले साथ में नहाने चले जाते हैं और यहाँ मस्ती करते हुए सिन्हाए होंग की आंखों को ढक कर बाथटब से बाहर निकल जाती है तो उसकी जगह यूनही आकर होंग के साथ नहाने लगती है। साथ में वो दोनों लोग जिन्हें होंग ने सिन्हाए के फोटोज लेने के लिए हायर किया था, अब वो हायजू के कहने पर होंग के फोटोज लेने लगते हैं। ये देखकर होंग हैरान रह जाता है। अब उसे सिन्हाए का पीछा छोड़ना ही पड़ता है वरना अपनी स्टूडेंट के साथ अफेयर की अफवाह से वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता। इसके बाद हायजू और सिन्हाए एक दूसरे से प्रोमिस करते हैं कि वो ऐसे ही हर प्रॉब्लम में एक दूसरे के रहेंगे। फिर ये खुश होकर प्यार करने लगते हैं। तो इसी हैप्पी पॉइंट पर ये मूवी एंड हो जाती है।